नौबस्ता थाना अंतर्गत दो दिन पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की गला काटकर की थी हत्या। पति को हुई पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी तो पत्नी ने प्रेमी साथ मिल हत्याकांड को दिया अंजाम। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के बाद नाली में फेंक दिया था शव। पुलिस ने हत्या करने वाले प्रेमी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मृतक। एडीसीपी साउथ अंकित शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। कल दिनांक 3 सितंबर 2023 को लगभग सुबह 11 बजे नौबस्ता पुलिस को ये सूचना मिली कि स्कोमाया स्कूल के पास नाले के बगल में झाड़ियों में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिस पर स्थानीय पुलिस के द्वारा तुरंत रिस्पॉन्ड किया गया। FSL की टीम को बुलाया गया एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें कि देखा गया कि मृतक का शरीर काफ़ी फूला हुआ था, दो दिन पुराना था। और इस घटना का अनावरण नौबस्ता पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंतराल में ही कर दिया गया है। इस घटना में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है वो शव एक व्यक्ति जिसका कि नाम रविकांत पांडे है, उनका होना पाया गया, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी। उनकी माता के द्वारा उनकी गुमशुदगी भी दिनांक 2 सितंबर 2023 को थाना नौबस्ता पर लिखवाई गई थी। मृतक की शिनाख्त के बाद जब आवश्यक इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि मृतक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी गुजरात में करता था और उनकी पत्नी यहाँ पर अकेले रहती थी। वो कुछ 15 दिन पहले गुजरात से यहाँ पर अपने परिवार के पास आया था और उसे पता चला कि उनकी पत्नी का एक व्यक्ति जिसका कि नाम अनस हाशमी है, उसके साथ अवैध संबंध है। जब इस संबंध का पता चलने पर उनकी पत्नी और अनस हाशमी दोनों ने मिलकर इस हत्या का षड्यंत्र रचा और दिनांक 1 सितंबर 2023 को ही रात्रि में उनकी गला काटकर हत्या कर दी।